सो आज जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, फॉलोड बाय इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और लास्ट में इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट, आप लोगों को अभी एक ओवरऑल आइडिया हो चुका होगा कि रिस्क का मतलब होता क्या है। ठीक है, रिस्क मीन्स वॉट एवर इज नॉट नोन टू यू राइट नाउ बट दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, राइट? सो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू मैनेज दैट रिस्क, राइट? बिजनेस करो, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करो, या कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप मोटरसाइकिल रोड पे चला रहे हो, राइट? तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, नोबडी नोज कि कब कहाँ पे क्या हो जाए, राइट? तो रिस्क हर जगह है, और आज के डेट में लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, राइट, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से रिस्क अराइज हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क ऐसा सोच के नहीं चलना है कि रिस्क नहीं है। ठीक है, तो अब रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, इस पार्टिकुलर सेशन का वो टॉपिक है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन आप देख लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन होता क्या है। सो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, ठीक है, उसके बाद से एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग का मतलब कंट्रोलिंग भी होता है। ठीक है, पहले आप आइडेंटिफाई करो, अगर आप प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद से उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि सपोज बिजनेस है तो कुछ उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है, एम्प्लॉई स्ट्राइक कर सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, राइट, फायर लग सकता है, आग लग सकती है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स एग्जांपल्स हैं, राइट? तो उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज का मतलब होता है गैदरिंग डेटा, राइट? एक सॉलिड डेटा लेने की कोशिश करते हैं और फिर असेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उस केस में कितना रिस्क होगा, क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कितना बड़ा रिस्क हो सकता है वो, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें एनालाइजिंग में आती हैं। ठीक है, और लास्टली जब आपने एनालाइज कर लिया, क्वांटिफिकेशन कर लिया कि क्या उसका सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बाद से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठेंगे, राइट? यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव कि जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, राइट? यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर रिस्क, और इसी को कंट्रोलिंग भी बोलते हैं, टू रिस्क फैक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, ये थ्रू आउट करना पड़ता है, दिस इज नॉट वन टाइम इवेंट, यू नीड टू कीप वॉचिंग द रिस्क दैट कैन अराइज, राइट, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव में होता है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कि वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, राइट, अल्टीमेटली। तो अगर आपने रिस्क को ढंग से मैनेज किया तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एक थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस में पहले आप इनपुट लगाते हैं, राइट, तो उसमें इनपुट में भी रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, कि क्या आपको सामान लगाना है, आप रिलेवेंट सामान लगा रहे हैं या इररिलेवेंट सामान लगा रहे हैं, खराब माल आ रहा है या फिर ठीक माल आया, राइट, तो वहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, कौन लेके आ रहा है, किसके थ्रू आप मंगवा रहे हैं, वो क्रेडिबल है या नहीं है, राइट। उसके बाद से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो फिर कैसे प्रोडक्शन होगा, टाइमली प्रोडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट, ह्यूमन एरर हो गया वहाँ पे, राइट, तो ह्यूमन कहाँ से लेके आएंगे, लेबर कहाँ से लेके आएंगे और किस कॉस्ट पे लेके आएंगे, अचानक से ह्यूमन की डिमांड कम हो गई मार्केट में, राइट, तो प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है, रिस्क को देखने की ज़रूरत है, राइट, और फाइनली जो आपका आउटपुट लेके निकल के आएगा, ठीक है, वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड अचानक से ख़त्म हो सकती है, आपका माल नहीं बिकेगा, फिर इन दैट केस व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल फाइंड द कस्टमर्स, राइट, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बन रहा है वो ठीक बना या नहीं बना, क्वालिटी उसकी ठीक है या नहीं है, ठीक है, एक प्रोसेस जो हमने फॉलो किया वो सही था या नहीं था, ठीक है, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब का सब आपको असेस करना है। ठीक है, तो असेसिंग द रिस्क एंड देन एनालाइजिंग इट एंड देन रिस्पॉन्डिंग इज नोन एज योर रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है चीज़ों को मैनेज करना, राइट, तो रिस्क को मैनेज करना है आपको एक
सिक्वेंशियल वे में, एक जो इसका सीक्वेंस है पहले आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है एंड रिस्पॉन्ड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी सीन एज प्रिपरेशन। ये पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना है फॉर पॉसिबल इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, इन एडवांस, पहले से ही। ये नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है, वैसे नहीं होता है। वैसे उस सिचुएशन को रिएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, आपको रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। ठीक है, रादर देन रिस्पॉन्डिंग एज दे हैपन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहला तो प्रिंसिपल आपने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया होगा, इट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल रिस्क। ठीक है, इनपुट में क्या रिस्क है, प्रोसेस में क्या रिस्क है, आउटपुट में क्या रिस्क है। ठीक है, हर स्टेज पे जो भी आपका प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हर स्टेज पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, विच मे इम्पैक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट से पर्सपेक्टिव से भी बोल दूं कि वहाँ भी रिस्क वगैरह है जो कि आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, और रिस्क मेजर कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। पहला क्या था, वैल्यू एट रिस्क हमने निकाला था, वॉर निकाला था, राइट। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आपको पता है एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क निकालते हैं, तो वो सारा मेजरमेंट एक मेजर करने का तरीका होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से पहले ऑल पॉसिबल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क देखो क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द इनहेरेंट चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस एंडेवर। आप जब बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में क्या चांसेस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वो डायरेक्टली इसकी वजह से होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटीज इंप्लॉय स्टाफ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टाफ होता है बिजनेस में, राइट, ऑफ स्पेशली ट्रेंड मैनेजर्स। ठीक है, जो ट्रेंड होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, लेबरर्स होते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ। अब इनको एडुकेटेड लोगों को क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको जानकारी होती है कि कैसे चीज़ों को बिजनेस में ऑपरेट करना है, राइट। ठीक है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे आपका बिजनेस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो दीज ऑल रिस्क लाइक योर स्टाफ, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, एडुकेटेड पीपल, टेक्नीशियंस, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके बिजनेस को डायरेक्टली रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर इनको नहीं रखिएगा, किसी को भी उठा के रोड से रख दीजिएगा बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो दीज रिस्क आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक है, नाउ इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, देखो ये सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको ह्यूमन इसमें इस साइड में देखें बिजनेस रिस्क में, तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो रखना ही रखना है पहले। ठीक है, इसको रखने के बाद भी क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे रिस्क जो सामने से देख नहीं पाते हो लेकिन ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। सपोज आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, कुछ उनको बीमारी हो गई, उनका हार्ट अटैक हो गया, राइट, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क विच कैन हैपन ऑल्सो विच कैन नॉट हैपन ऑल्सो, राइट। तो एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, राइट, तो एक इंश्योर करके रख दिया कि ठीक है रिस्क होगा तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा। ठीक है, अगर वो इंश्योरेबल है रिस्क तो इंश्योर करा के रख दीजिए उसको। ठीक है, राइट, अब देखो इसमें क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है, उसमें आग लग गया, राइट, तो वो नहीं जानता कोई कि कब आग लगेगा कब नहीं लगेगा, राइट, तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा के रख सकते हैं, राइट, तो वो रिस्क आप इंश्योर करके रख सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वैसे रिस्क जिनको आप हेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो आपको पता है कि ये हो सकता है, उसको इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो हेजिंग भी एक पार्ट आ गया। हेजिंग का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना, बचाव करना। ठीक है, हेजिंग आप कैसे करते हैं, हेजिंग आप यूज़ करते हैं कौन कौन से, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से और ऑप्शंस की मदद से। ये सारे लास्ट सेमेस्टर से मैंने डिस्कस कर दिया था, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की रिस्क को हेज या इंश्योर कैसे करते हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से। सारा एग्जाम्पल दिया था ना, आपको याद होगा फार्मर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, काउंटर पार्टी रिस्क होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको मिनिमाइज़ किया गया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिस्क वगैरह वहाँ भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो एक बार मुझे जस्ट याद आ गया तो मैंने फिर से इसको डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इंश्योरेबल रिस्क वो होता है जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो एक बार पढ़ लो इसको, इंश्योरेबल रिस्क डिफर्स फ्रॉम बिजनेस रिस्क इन दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली अ चांस फॉर लॉस एंड नो चांस फॉर प्रॉफिट। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस नहीं देखते ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे रिस्क होते हैं कि जो जो लॉस करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि अगर आपने इनको इम्प्लॉय नहीं किया तो 100% है कि आप लॉस में जाएंगे, बट अगर इनको आपने इम्प्लॉय कर लिया तो ये अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चांसेस इससे इन्वॉल्व है, बट यहाँ सिर्फ रिस्क ऑफ लॉस जो था, चांस ऑफ लॉस, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वैसे रिस्क को इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेबल रिस्क कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर जनरल कैटेगरीज। अब ये जो होते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस, जो कि मैंने आपको बता दिया, फायर वगैरह लग गया, इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस वगैरह हो गया, जैसे कोई मशीन काम कर रहा था आपका वो बंद हो गया तो फिर दूसरे मशीन लगाने में आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, राइट, तो वो भी एक तरीके का लॉस है, राइट। द चांस ऑफ लायबिलिटी लॉस, ठीक है, कोई केसेस वगैरह हो गए तो लायबिलिटी लॉस हो जाएगा। द चांस ऑफ पर्सनल रिलेटेड लॉस, कोई एम्प्लॉय डेथ कर गया, तो उस ये सारे के सारे क्या हैं, इंश्योरेबल रिस्क हैं, जिसको वैसे लॉसेस जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस, और जिसको आप हेज कर सकते हैं उनको इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो दीज टू विल बी पार्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, रिस्क एनालिसिस। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क, द सेकेंड पार्ट कम्स इज योर एनालिसिस। अब उसको एनालिसिस करना है, क्या एनालिसिस में क्या बोला था कि डेटा निकालना है, डेटा के बाद उसको देखना है कि भाई ये कितना बड़ा रिस्क है और कैसे ये बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या फिर कम इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन वही है, इट इंक्लूड्स द क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब इसका मात्रा देखना है कि ये कितना सीवियर हो सकता है, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट सीवियरिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन रिलेटेड प्रोजेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रिस्क एनालिसिस में करते हैं। इट इज़ गैदरिंग डेटा, ठीक है, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, दोनों चीज़ें लिख दीजिएगा। तीसरी चीज़ जो आती है, दैट इज़ रिस्क कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब रिस्क कंट्रोल ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं आप, रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई मैं रिस्क को मिनिमाइज अब कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ दैट सपोर्ट रिस्क अवॉइडेंस, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। देखो तीन चीज़ें यूज की गई हैं, अवॉइडेंस, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, तीनों से आप रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पहली चीज़ क्या है, अवॉइड करते हैं, दूसरी चीज़ प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ रिड्यूस कर देते हैं, अगर वो हो ही गया तो उसको रिड्यूस करो, ठीक है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो, ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज यू फाइंड योरसेल्फ बीइंग शॉट एट, किसी ने आपके ऊपर गोली चला दी, ठीक है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला क्या, यू कैन मूव, तुम अलग हट जाओ टू अवॉइड द बुलेट, तो अवॉइडेंस आ गया, अलग हट जाओ बुलेट साइड से निकल जाएगी, ठीक है, राइट। दूसरा क्या करो, प्रिवेंट करो, प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, ठीक है, तो यू कैन डिफ्लेक्ट द बुलेट, प्रिवेंट ही कर दिया वहाँ पे, ठीक है, गोली लगेगी लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, यू कैन रिपेयर द डैमेज डन बाय द बुलेट, अगर गोली लगी गई, ठीक है, तो तुरंत उसका इलाज करवा लेंगे, राइट। तो तीन तरीके हैं जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। एट नो टाइम आर यू इन कंट्रोल ऑफ द बुलेट, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जहां बताने की कोशिश की जा रही है कि आप बुलेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गोली तो चल गई, ठीक है, बट तीन तरीके हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वॉट यू हैव टू मैनेज इज योर रिस्पॉन्स टू द इवेंट, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड आप तीन तरीकों से करेंगे, अवॉइड करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे एंड रिडक्शन करेंगे, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखो लास्ट क्या होता है, रिस्क फाइनेंसिंग। अब रिस्क फाइनेंसिंग में क्या करते हैं कि अब रिस्क को आपने कंट्रोल करना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस के लिए पैसे फाइनेंस करने पड़ेंगे, हेज करना है तो फ्यूचर्स फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस को खरीदना पड़ेगा, राइट। तो ये सब क्या है, रिस्क फाइनेंसिंग इज अ वे टू कवर एनी फाइनेंशियल लॉसेस दैट द इम्प्लीमेंटेड रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स डिड नॉट प्रिवेंट, ठीक है। मतलब वो जो पहले की जो इम्प्लीमेंटेड रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स थी, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसके लिए हम ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा इंश्योरेंस वगैरह खरीद लें या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव का यूज़ कर लें। सो तो उनको उनके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क फाइनेंसिंग। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड इट्स प्रिंसिपल इट इज़ क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।